एड्स डॉट टी एस टी स्टेशन नॉट फाउंड। दोस्तों, अगर आप एडेंस यूजर हैं और आपके एडेंस में इस तरह का मैसेज शो हो रहा अर्निंग एड्रेस, यू नीड टू फिक्स सम एड डॉट टी एस टी फाइल इशू। और आप इसको फिक्स करना चाहते हैं तो आप कैसे फिक्स करेंगे, आज की स्टूडियो हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर मेरी 3 वेबसाइट ऐड है गूगल एडेंस में, लेकिन यहाँ पर इस वाली वेबसाइट पर जो nathhindi.com है, इस वेबसाइट पर देखेंगे तो यहाँ पर एड्स डॉट टी एस टी स्टेशन जो है यहाँ पर नॉट फाउंड शो हो रहा है। तो आप इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं, तो चलिए जानते हैं। तो अगर आप इसको फिक्स करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अगर आपकी ब्लॉगर की वेबसाइट है तो आप ब्लॉगर पे कैसे फिक्स करेंगे, चलिए सबसे पहले आपको बता देते हैं। तो ब्लॉगर के लिए आप यहाँ पर ब्लॉग को ओपन कर लें, और ओपन करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप सेटिंग पर क्लिक कर दें। सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा, और अगर आप लैपटॉप का यूज करते हैं तो आप कंट्रोल प्लस या प्रेस कर लेंगे और यहाँ पर टाइप कर देंगे एड्स। और जैसे ही आप एड्स टाइप करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमारा कस्टम एड टी एस टी शो होने लगा। और अगर आप मोबाइल का यूज करते हैं तो अब आपको क्या करना होगा, मोबाइल के लिए आपको स्क्रॉल करके यहाँ से आपको स्क्रॉल करके यहाँ पर नीचे एकदम आना होगा, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ कस्टम एड डॉट टी एस टी, तो यहाँ पर आना है आपको कस्टम एड डॉट टी एस टी में, और यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह इंटरफेस शो होगा, लेकिन अगर आप पहली बार यहाँ पर आ रहे हैं तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है इनेबल कस्टम एड्स डॉट टी एस टी, तो आपको इसको इनेबल करना होगा। जैसे ही इनेबल करेंगे तो यहाँ पर कस्टम एड्स डॉट टी एस टी आपको शो होगा, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर कस्टम एड डॉट टी एस टी में आपको एडसेंस का कोड इंटर करना, कौन सा कोड इंटर करना, तो आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर इस वाली वेबसाइट में प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको एड डॉट टी एस टी का कोड शो हो रहा, तो अब आप क्या करें, इसको कॉपी कर लें, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर आ जाए और यहाँ पर इसको कंट्रोल प्लस वी से या फिर राइट क्लिक करके इसको यहाँ पर पेस्ट कर दें। और पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सेव पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सेव हो रहा है और यहाँ पर सेटिंग अपडेट हो चुका है। और सेटिंग अपडेट होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आ जाना है और यहाँ पर चेक फॉर अपडेट पर क्लिक करना है। जैसे अगर आप चेक फॉर अपडेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही है, यहाँ पर लिख कर आ रहा कुड नॉट फाइंड एनी एड डॉट टी एस टी। तो आपको बता दें ये वाली जो वेबसाइट है मेरी वर्डप्रेस पर है, और मैं आपको बस ब्लॉगर में शो कर रहा हूँ आपको कैसे करना है, तो इसलिए यहाँ पर मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, इसलिए मैं क्या करता हूँ इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। लेकिन आपको सेम प्रोसेस आपको करना है, ऐसे ही अगर आप करेंगे तो आपका जो गूगल एडेंस में एड डॉट टी एस टी वाला प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं वर्डप्रेस यूजर के लिए, अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पर है और आप चाहते हैं एड डॉट टी एस टी स्टेशन नॉट फाउंड वाली जो प्रॉब्लम है इसको फिक्स करना, तो कैसे फिक्स करेंगे चलिए जानते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे गूगल में। गूगल में आने के बाद आप क्या करेंगे, उस होस्टिंग प्रोवाइडर के होस्टिंग डैशबोर्ड को लॉग इन करेंगे जहाँ से आपने होस्टिंग बाय किया हुआ है। तो यहाँ पर मैंने होस्टिंगर से बाय किया हुआ, तो मैं क्या करूंगा होस्टिंगर डैशबोर्ड को ओपन कर लूंगा। तो देखिए यहाँ पर होस्टिंगर डैशबोर्ड ओपन हो चुका है, और ओपन होने के बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे, होम पर आता हूँ मैं, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी वेबसाइट है, लेकिन ये वाला जो nathhindi.com है इस पर प्रॉब्लम आ रही, तो हम इसको यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर nathhindi.com का जो डैशबोर्ड है यहाँ पर आ चुका है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे आना है, और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक फाइल्स का ऑप्शन दिया, आपको फाइल्स पर क्लिक कर देना, और यहाँ पर फाइल मैनेजर लिखा हुआ है, आपको फाइल मैनेजर पर क्लिक कर देना। जैसे ही फाइल मैनेजर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ एक्सेस फाइल्स फॉर nathhindi.com, तो यहाँ पर nathhindi.com लिखा हुआ है, लेकिन आपकी जो भी वेबसाइट होगी nathhindi.com की जगह पर लिखा हुआ आपको शो करेगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर फाइल मैनेजर ओपन हो चुका है, यहाँ पर पब्लिक एचटीएमएल लिखा हुआ है, तो आपको डबल क्लिक करना और पब्लिक एचटीएमएल को ओपन कर लेना है। पब्लिक एचटीएमएल को ओपन करने के बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर न्यू फाइल का ऑप्शन दिया हो, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर न्यू फाइल पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आपको न्यू फाइल का नेम देना है। तो न्यू फाइल का नाम हम क्या देंगे, टीएसटी देंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं एड्स डॉट टीएसटी, आपको लोअर केस में लिखना है, जैसे यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ लोअर केस में यानी स्मॉल लेटर में, ऐसे ही आपको यहाँ पर लोअर केस में एड्स डॉट टीएसटी लिख देना, और उसके बाद यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर एक एडिटर ओपन हो चुका है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एडिटर ओपन हो चुका है।
अब आपको क्या करना है, यहाँ पर गूगल एडसेंस में आ जाना है। और गूगल एडसेंस में आने के बाद, और गूगल एडसेंस में आने के बाद जिस वेबसाइट पर आपके ad.txt वाली प्रॉब्लम है, आपको उस वेबसाइट को यहाँ पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ad.txt वाज नॉट फाउंड वाला पेज ओपन हो चुका है, और यहाँ पर ये वाला जो कोड आपको दिख रहा है इसको आपको कॉपी करना। तो हम यहाँ पर क्या कहते हैं, कॉपी पर क्लिक कर लेते हैं, और क्लिक करते ही देखिए ये कॉपी हो चुका है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आ जाना होस्टिंग प्रोवाइडर में, और यहाँ पर हमने जो ads.txt फाइल बनाया था इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो हमने एडसेंस से कॉपी किया इसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर ये शो हो रहा है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सेव पर क्लिक करेंगे तो देखिए हमारी फाइल यहाँ पर सेव हो जा रही है। तो सेव करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एडसेंस में आ जाना है, और एडसेंस में आने के बाद देखिए यहाँ पर चेक फॉर अपडेट का ऑप्शन दिया हुआ है। तो अब आपको यहाँ पर चेक फॉर अपडेट पर क्लिक कर देना। तो देखिए यहाँ पर चेकिंग हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर ad.txt फाउंड हो चुका है, मतलब यहाँ पर हमको गुड न्यूज़ दे रहा है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ ad.txt स्टेटस देखेंगे तो यहाँ पर अभी आपको ऑथराइज दिखा रहा, पहले यहाँ पर नॉट फाउंड शो हो रहा था। इस तरह से हमने ad.txt स्टेटस को यहाँ पर हमने फिक्स कर लिया है। अब आपको यहाँ पर जो नोटिफिकेशन हो रहा है ये कैसे हटेगा, तो चलिए आपको बता देते हैं। एक बार हम इसको रिफ्रेश करते हैं, देखिए क्या होता है। जैसे हम पेज को रिफ्रेश करते हैं तो देखिए यहाँ पर हमारा नोटिफिकेशन हट रहा है या नहीं, तो अभी यहाँ पर तो शो नहीं कर रहा, देखते हैं थोड़ी देर और वेट कर लेते हैं। देखिए यहाँ से हमारा नोटिफिकेशन रिमूव हो चुका है। लेकिन अगर आपका ad.txt नोटिफिकेशन तुरंत यहाँ से नहीं रिमूव होता है तो अब आपको वेट करना होगा, कम से कम एक दिन आप वेट करें, ये ऑटोमेटिक यहाँ से एडेंस वाले रिमूव कर देते हैं। तो इस तरह से आपको क्या करना है, ad.txt स्टेटस नॉट फाउंड गूगल एडेंस में फिक्स करना है। तो आज की स्टूडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।